राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी विश्वविद्यालय हर संभव प्रयास करें। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। निर्वाचन आयोग ने चित्रकूट उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल के प्रकाशन प्रसारण और संचालन पर लगाई रोक। और धमतरी के गंगरेल गांव की महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ा रही अपने कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि किसी न किसी क्षेत्र में हर विश्वविद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रोल मॉडल बने। राजभवन में विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कुलपतियों से कहा कि तेज गति से अच्छे कार्य कैसे हों इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी योजना या अभियान केवल रिपोर्ट तैयार करने तक ही सीमित ना रहे बल्कि जमीनी स्तर पर भी उसका क्रियान्वयन किया जाए। राज्यपाल ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा में काम कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान जो भी समस्याएं आ रही हों उन्हें भी अवगत कराया जाए। सुश्री उइके ने कहा कि आज की स्थानीय परिस्थिति और उपयोगिता के आधार पर शोध कार्यों के लिए विषयों का चयन किया जाए ताकि ऐसे शोध सरकार की योजनाएं बनाने में सहायक हो। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण करें और उसे हरा भरा और आकर्षक बनाकर बेस्ट प्रैक्टिसेस की शुरुआत करें। बैठक में सभी विश्वविद्यालय से आग्रह किया गया कि अपने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में नए ग्रेडिंग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समन्वय के लिए रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां 21 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं ली, वहीं अन्य उम्मीदवार भी प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने आज तीसरी बार बस्तर पहुंचेंगे। इस दौरान वे कोरेंगा मार्डुम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तोकापाल और बस्तानार ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं ली। चुनावी शोर थमने के बाद उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए 229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान ईवीएम मशीन के साथ ही वीवीपैट का भी उपयोग किया जाएगा। इस उपचुनाव में कुल 1,67,722 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चित्रकूट उपचुनाव में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे। इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाकर ही मतदान किया जा सकेगा। मतदाता केवल मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे, उन्हें फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। राज्य शासन द्वारा उपचुनाव के लिए चित्रकूट निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों में मतदान के दिन सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
वहीं सार्वजनिक उपक्रमों और निजी स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को भी मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मिलेगा। चित्रकूट उपचुनाव के तहत 24 अक्टूबर को मतगणना और इसके बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस बार मतगणना कार्य के लिए महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चित्रकूट उपचुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन प्रसारण पर रोक के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार चित्रकूट उपचुनाव के लिए मतदान के दिन 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक उपचुनाव के संबंध में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का संचालन नहीं होगा और न ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रसारण किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी तरीके से प्रसार पर भी प्रतिबंध रहेगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि प्रचार के अंतिम दिन 48 घंटे के दौरान प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए चित्रकूट के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए जिला स्तर पर सभी तैयारियां निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ठाकुर राम सिंह ने सभी जिलों से आए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश की नगर पालिकाओं में मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या के बारे में पूर्व में ही जानकारी एकत्र कर ली जाए। बैठक में नगर पालिकाओं में मतदाताओं की संख्या, निर्वाचन के लिए उपलब्ध मतदान सामग्री, अतिरिक्त आवश्यक सामग्री, अमिट स्याही की आवश्यकता, मतपत्र के लिए कागज और उपलब्ध वाहनों की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। स्वच्छता की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले छात्रों को दुर्ग में सम्मानित किया गया। हेमचंद विश्वविद्यालय द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में 50 से अधिक खिलाड़ियों और छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक अरुण वोरा भी मौजूद थे। इस दौरान गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी है। मूल रूप से ये हेमचंद तकनीकी विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम आज आयोजित था वो जो नेशनल लेवल पर बच्चे खेले थे उनको पुरस्कार प्रदान करने के लिए था और ये अवसर था 150वीं जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, उसमें विभिन्न महाविद्यालयों में स्वच्छता आदि का कार्यक्रम किया गया, उनको भी पुरस्कृत किया गया जो महाविद्यालय पहला दूसरा तीसरा है। ये एक संदेश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है उसको चरितार्थ करते हुए। तो मूल रूप से आयोजन ये था और उसी में हम लोगों ने बधाई भी दिया, पुरस्कार भी वितरण किया। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों ने सेना और अर्धसैनिक बलों सहित शासकीय नौकरियों में आयु सीमा की छूट तथा 10% आरक्षण की मांग को लेकर राजनांदगांव में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। एनसीसी कैडेटों का कहना है कि एनसीसी कैडेट 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। कैडेटों को सेना में बिना लिखित परीक्षा के केवल फिजिकल और साक्षात्कार के द्वारा ही सिपाही और अधिकारी रैंक के पदों पर चयन का मौका दिया जाता है, लेकिन 21 वर्ष की उम्र होने के बाद कैडेट सेना में भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाते, जबकि कैडेटों को सेना की तर्ज पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। उम्र में 2 वर्ष छूट के साथ 10% सीट पर आरक्षण दिया जाए। एनसीसी कैडेट इतना मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई को दांव में लगा के हम अपनी पढ़ाई के साथ एनसीसी करते, पढ़ाई के साथ एनसीसी क्रियाकलाप भाग लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के दोनों महत्वपूर्ण गतिविधियां में हमारा योगदान है, चाहे ट्रैफिक क्लियर करना हो, चाहे झांकी ड्यूटी हो, हर ड्यूटी में हम अपना संपूर्ण योगदान निभाते हैं, फिर हमें 10% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता। हम कैडेटों ने रैली के बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। रैली में राजनांदगांव जिले के अलावा दुर्ग, भिलाई, कबीरधाम के एनसीसी कैडेट भी शामिल हुए। रायगढ़ जिले के निजी स्कूलों की मान्यता के मामले में लापरवाही बरतने के मामले में 90 स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर 1,00,000 रूपये जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। जिला के शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि रायगढ़ जिले में 452 निजी स्कूल संचालित हैं, इनमें से 90 स्कूल संचालकों ने अपनी मान्यता नवीनीकरण मामले में जो दस्तावेज लगाए थे वह अपूर्ण थे।
जिसको लेकर सभी 90 स्कूल संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। शासकीय विद्यालय हैं जिनमें से 90 विद्यालयों ने पूरी फॉर्मेलिटी जमा नहीं की है मान्यता के लिए, कुछ में बहुत सारी कमियां हैं और कुछ लोगों ने अभी तक मान्यता ली नहीं है। तो 90 ऐसे स्कूल हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और यदि वो नहीं करते हैं तो उन पर 1,00,000 रुपये जुर्माना लगाने का हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ है। जुर्माने के अलावा ये है कि यदि वो नहीं करते हैं उसके बावजूद भी, नोटिस के बावजूद भी, ये दूसरा नोटिस जा रहा है, पहला नोटिस जा चुका था, पहले दूसरा नोटिस जा रहा है, नहीं करते हैं तो हमारे ज़िले में एक अनुश्रवण समिति है जो मान्यता के संबंध में निर्णय लेती है, उनके समक्ष इनके प्रस्ताव को रखेंगे और उसमें निर्णय करेंगे। महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं एक तरफ जहां खुद का कारोबार शुरू कर न केवल अपने घर को मजबूत कर रही हैं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। धमतरी शहर से लगे गंगरेल गांव की महिलाएं भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। ये महिलाएं समूह बनाकर उद्योग चला रही हैं। इस उद्योग के माध्यम से अगरबत्ती, वॉशिंग पाउडर, फिनाइल, इलायची दाना, चना, गुड़ की रेवड़ी और पॉपकॉर्न का उत्पादन किया जा रहा है जिससे इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि वे सामान बनाने के अलावा इसकी मार्केटिंग भी खुद करती हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के जरिए वे आत्मनिर्भर हुई हैं। सत्रह से यहाँ सीआरपी राउंड है इस बिहान में, बिहान के पंचायत के माध्यम से वहाँ महिला मन के आम सभा रखेगी, वहाँ 15 दिन के आम सभा रखी, वहाँ गेन हमन जानेन बिहान का होते और उद्देश्य जानेन समझेन और उमें जुड़ेन बिहान में, बिहान से जुड़े से हमला हमारा आर्थिक स्थिति सुधार होइस, जैसे कि लेन देन हमन काकरो कर उधारी मांगन थे कोई 5% 10% भी ना दे नहीं, अब हमारे बिहान में हमला 2% में पैसा मिल जाते और बहुत आर्थिक स्थिति में सुधार है इसे। और एमें हमारे सरपंच, गांव के सरपंच के माध्यम से हम आगे बढ़ें और हमार जिला सीओ है, जनपद है और अदेना आरसीटी से हमला प्रशिक्षण मिली। हम लोग खेती का काम करते थे उसमें आय बहुत कम थे, अब जब हम अगरबत्ती बना रहे तो उसमें आय ज़्यादा है तो वही काम कर रहे हैं। उसी माध्यम हम लोग का समूह वॉशिंग पाउडर और फिनाइल बनाते हैं और हम लोग का वो सेलिंग अभी चालू हुआ है और ऑर्डर भी आया है 100 क्विंटल का। बस गांव के सरपंच ने बताया कि अब समूह की महिलाओं को बाहर से भी काम मिलने लगा है जिससे उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस कार्य को करते हुए हमारी जितने भी समूह की महिलाएं हैं उनमें खुशहाली है। ये काम जो पहले खेती किसानी का काम करते थे और कठोर कठिन काम करते थे उससे मुक्त होकर यहाँ पे अपने घर से समय निकाल करके जो गृहिणी यहाँ पे काम कर रही हैं आप लोगों के समक्ष, जैसे कि यहाँ पे अगरबत्ती बनाने का कार्य किया जा रहा है, चुनरी बनाने का काम किया जा रहा है, इसमें इन लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई है और इनको अभी इस सब कार्य करने में बहुत ही खुशहाली और तत्परता से ये काम महिलाएं काम कर रही हैं। इस योजना की शुरुआत असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने के उद्देश्य से की गई थी, अब यह एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। जशपुर में आयोजित 19वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में जशपुर जोन ने हॉकी और फुटबॉल स्पर्धा में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जोन से आए करीब 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। शहर के रंजीता स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में छात्रों ने आकर्षक गीत और शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी, वहीं खिलाड़ियों ने भी आकर्षक मार्च पास्ट किया। स्पर्धा में श्रेष्ठ मार्च पास्ट के लिए सरगुजा जोन और श्रेष्ठ अनुशासन के लिए कबीर धाम जोन को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समय बदल गया है, अब खेल को बेहतर करियर बनाया जा सकता है। अच्छा
राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है। इसमें 12 जोन के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 4 खेल के लिए ये कॉम्पिटिशन हुआ था। बहुत अच्छे तरह से और स्पोर्ट्समैनशिप में ये जो पूरा हुआ है। इसमें जशपुर जिला ओवरऑल चैंपियन रहा है, बाकी जोन्स भी अपने अपने इसमें अच्छे से किए हैं। जब सभी जो विजेता है उनको जिला प्रशासन की ओर से बधाई देते हैं। कलेक्टर ने जशपुर में खेल सुविधाओं के विकास और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।